अमेरिका में हुए हादसे के बाद इजराइल ने F-35B लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल बंद कर दिया। 10 रोज पहले ही अमेरिका के टेक्सास में एक F-35B फाइटर जेट लैंडिंग के दौरान रनवे से टकरा गया था, जिसका एक वीडियो भी सामने आया था, जिसमें अमेरिका का एक F-35B लड़ाकू विमान रनवे पर लैंडिंग करता नजर आया था, लेकिन लैंडिंग के दौरान उसका अगला हिस्सा जमीन से टकरा गया था। इस हादसे के बाद ही इसराइल ने अपने 11 F-35B लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल बंद कर दिया। इसराइल के मुताबिक हादसे की पूरी जांच होने तक F-35B उसकी फ्लीट में शामिल नहीं हो सकता। जबकि अमेरिका का ये फाइटर प्लेन वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग में माहिर है, मतलब ये कि F-35B लड़ाकू विमान हेलीकॉप्टर की तरह सीधा जमीन से ऊपर उठ सकता है और सीधा उतर भी सकता है, लेकिन टेक्सास में ऐसा करने के दौरान ही वो हादसे का शिकार हो गया था। इधर महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार में मंत्री दादा भुसे का एक वीडियो वायरल हो गया, जिसमें वो दो लोगों को थप्पड़ मारते नजर आए। ये वीडियो एनसीपी के विधायक जितेंद्र अवार्ड ने ट्वीट किया, जिसमें महाराष्ट्र सरकार में मंत्री दादा भुसे दो लोगों से गाली गलौज करते दिखे और फिर अचानक उन्होंने जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। आरोप है कि दोनों लोगों को मंत्री दादा भुसे ने पहले तो धमकाया और फिर उनके गाल पर तमाचे मारे, जिसके बाद विपक्ष के विधायकों ने उन पर गुंडागर्दी करने का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से उन पर एक्शन लेने की मांग भी की। उधर खबर है कि क्रिसमस पर हुए हमले का बदला लेने के लिए जेलेंस्की ने खेरसॉन में मौजूद रूस के एक सैन्य ठिकाने पर ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी। यूक्रेन के इस हमले में रूस के कई सैनिकों की मौत की आशंका जताई गई। और खबर है कि खेरसॉन के जिस इलाके में यह हमला हुआ, वहां रूस की सेना के अधिकारियों की एक बैठक चल रही थी, जहां गिरी मिसाइलों ने 70 से ज्यादा रूसी सैनिकों को घायल कर दिया। वहीं यूक्रेन का दावा है कि इस हमले में रूस के कुछ सैनिकों को जान गंवानी पड़ी। हालांकि रूस की तरफ से एक भी सैनिक की मौत की पुष्टि नहीं की गई, पर उसने अपने सैनिकों के बुरी तरह घायल होने की बात जरूर मानी। इधर बीएसएफ की सीमा भवानी टुकड़ी की 39 वीरांगनाओं ने लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करवा लिया। उन्होंने 9 मोटरसाइकिल पर फॉर्मेशन बनाते हुए कर्तव्य पथ पर करीब 1 किलोमीटर तक मोटरसाइकिल चलाई और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करवा लिया। बीएसएफ की सीमा भवानी टुकड़ी की 29 जवानों ने महज 1.5 मिनट के अंदर इस कीर्तिमान को रचा। हमें बिल्कुल डर नहीं लगा क्योंकि हमें इतनी अच्छी प्रैक्टिस दी जाती है। बीएसएफ की सीमा भवानी टुकड़ी से पहले सीआरपीएफ की 37 जवानों ने मोटरसाइकिल पर फॉर्मेशन बनाकर 100 मीटर तक मोटरसाइकिल चलाने का रिकॉर्ड बनाया था, जिसे बीएसएफ की जवानों ने तोड़ दिया। इस बीच यमन की 8 साल पुरानी जंग हर बीतते दिन के साथ तेज होती जा रही है। वहां कब्जा जमाए बैठे हूती विद्रोही सऊदी अरब के गठबंधन वाली सेना पर आग बबूला है। हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब पर ड्रोन स्ट्राइक करने का आरोप लगाया और अगर वाकई हमला हुआ है तो हूती विद्रोही भी ईंट का जवाब पत्थर से देने से नहीं चूकेंगे। हूती विद्रोहियों ने आरोप लगाया कि उनके कब्जे वाले हुदैदा शहर में सऊदी अरब की गठबंधन सेना ने 5 ड्रोन हमले किए। यमन का हुदैदा शहर लाल सागर से लगता है, वो उसका एक अहम बंदरगाह है, इसी वजह से वहां अपना राज कायम करने के लिए दोनों गुटों के बीच खून खराबा होता रहता है। 2018 में यूएन ने काफी कोशिश के बाद हूती विद्रोहियों और यमन की सरकार के बीच हुदैदा में सीज फायर लागू करवाया था, लेकिन वहां जमीन पर सही मायनों में शांति कभी नहीं आई।